मेरे को इन टायरों का डर है सबसे पहले, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई अपनी गाड़ी की सर्विस चालू हो गई। तो भाई मिट्टी इतनी है, देखो जहाँ जहाँ खाली पानी मारा ना उतनी मिट्टी साफ हुई है। वेलकम बैक द अनदर व्लॉग। तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो भाई हम लोग रात को रुके थे लगभग उधमपुर से पहले ही, तो सो गए थे क्योंकि हमें गाड़ी का काम करवाना थोड़ा, इसलिए पहले सो गए थे। मुझे आराम कर लेते हैं चलते हैं। और अभी उठे थे भाई चाय वाय पी के, तो बारिश भी हल्की फुल्की रात को हुई थी, और अब हम यहाँ से चाय वाय पी के तो निकलते हैं। और मौसम देखो भाई कितना सुहाना हो चुका है, इधर बारिश का मौसम है और चलो गर्मी भी नहीं है इतनी, चलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं। अभी लड़के को भेजा मैंने बोला चाय लेके, चाय पी के चलते हैं, चाय पी के निकलते हैं भाई। और नीचे दरिया में भी ना पानी तगड़ा है, और एक डॉग है, डॉग ने ना पूरा टाउन टाउन मखा के रखी हुई है। अपनी गाड़ी की सर्विस चालू हो गई। तो भाई मिट्टी इतनी है, देखो जहाँ जहाँ खाली पानी मारा ना उतनी मिट्टी साफ हुई है। पहुंच गए हम लोग उधमपुर में, और मौसम भी भाई बारिश भी तगड़ी लगी हुई है भाई, इधर से पूरे के पूरे ना बारिश लगी हुई थी। देखो क्या रोड पूरा गिल्ला गिल्ला है। क्रीम और गाड़ी लगे सर्विस करवाने, ये रही पाइप अपने भाई, हम खुद करेंगे सर्विस। भाई गाड़ी भी अपनी सर्विस हो गई, और भाई अपना भी थोड़ा गिल्ला हो गया, पूरे कपड़े वगैरह का गिल्ले हो गए क्योंकि पाइप खुद ही पकड़ी हुई थी। वो तो भाई पार्टी चेक करो आप, साफ हो गई पूरी गाड़ी भाई। आई गाड़ी भी बोलती होगी कि कहीं शुक्र है मेरे को भी साफ किया इन लोगों ने। तो भाई तेल डाल के तो हम फिर से निकल चुके हैं नए टिप की तरफ। तो भाई चलते हैं, हमारा सांबा से आज लोडिंग है, तो चलते हैं भाई सीधा सांबा में, सांबा में जाके करते हैं लोड। और बारिश नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि हल्की फुल्की यहाँ पे तो हो रही है, पर बारिश नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि बारिश हो गई तो भाई फर्श हो जाएगा गिल्ला, तो अपना हो जाएगा काम सारा खराब। इससे बेहतर के बारिश ना हो तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बारिश गाड़ी लोड हो जाए फिर चाहे जितनी मर्जी हो जाए फिर भी टेंशन। तो भाई यूरिया की भी दो बाल्टियाँ ले ली, यूरिया वगैरह सब कुछ हो गया था अपना, डीजल वगैरह सब कुछ हो गया। तो भाई चलते हैं, तो भाई गाड़ी भी होगी लोड और तिरपाल भी लगा दिया भाई, बारिश भी लगी हुई है और अपनी हालत देख सकते हो पसीने के साथ पूरे कपड़े गिले। तो पहला नंबर हम क्या करते हैं, कांटा करवाते हैं, कांटा करवा के क्योंकि तभी पता चलेगा कि हमारा वजन कितना है, क्योंकि हमको 34 ही लेना 34 ऊपर, क्योंकि इनका ना पाउडर जो है पाउडर हमेशा ओवरलोड हो जाता है, तो कांटा अगर नहीं करो तो।
इसलिए हम पहला नंबर करेंगे कांटा, फिर उसके बाद चालान वगैरह लेंगे तो निकल जाएंगे। तो भाई सांबा में पुराने रोड पे नीचे से पुल के नीचे से ही जा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं निकला था इधर से ही, तो अब इधर से ही जा रहा हूँ। तो भाई इधर रश इतना है कि कहने वाली बात नहीं। पहुंचे थे गुरदासपुर में और इधर नहाया दो और नहा दो के तो भाई चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। और अंधेरा देखो भाई, और ये लाइट चल रही है। तो भाई हम सुबह सुबह उठे थे, आज की शुरुआत जो है बहुत ही बुरे तरीके से हुई है और हमारा ना टायर पंचर हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रही, वो भी नया टायर पंचर, उसमें हवा कम हो गई थी पूरी। और रात को एक अमृतसर में पटाखा निकला था, लेकिन टायर की समय नहीं लग रही कौन सा फटा कौन सा क्या, लेकिन टायर तो सब अभी तक सही है। देखो इसमें कितनी हवा भर चुके हैं, लेकिन समय नहीं लग रही कहाँ से है। कोई समय नहीं चाहिए। और अपनी भी हालत देख सकते लगा दी गाड़ी इस किचड़ में लगाने के बाद फिर वापस रोड पे, क्योंकि यहाँ पे पहले गाड़ी लगी थी, गाड़ी वाले ने गाड़ी निकाल दी, हमने इधर लगा ली। अब मेरे को इन टायरों का डर है सबसे पहले, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई टायर वगैरह अपने हो गए और पसीना देखो भाई, ये चेक करो, ये ऐसे पूरा मैं जो कपड़े गिले हो गए थे। आप निकलते हैं भाई, चलते हैं। साफ सफाई भी कर ली, सलीम की भी हालत खराब हो गई। आज गर्मी है पंजाब के अंदर ना, गर्मी आ रही है वह जो बाकी कहीं भी गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो बादल भी आप देख सकते हो, हल्के फुल्के बादल भी हैं। और हम थोड़े आगे बठिंडा रह गया कोई 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे भाई टायर हो गए हमारे गर्म, साथ में बनाते खाना लगाई गाड़ी शाओ में, उधर बैठ के बनाते हैं खाना। पहला नंबर लगा दी पार्किंग में इधर गाड़ी में, और कोई गाड़ी है नहीं है, तो चलो भाई हम खाना छाना बना के खा पी के तो आराम से निकलते हैं। 12 भी बज गए हैं, 11:55 हो गए। तो भाई हम पहुँच गए हैं डापाली में और लगे हैं डीजल डलवाने, डीजल वगैरह डलवाते हैं। और भाई गर्मी देखो पसीने से क्या हाल हो गई, और दाढ़ी भी साढ़े करवाने वाली है भाई, सैलून कोई मिला नहीं, देखते हैं आगे जाके कोई दाढ़ी वगैरह भी साढ़े करवाते हैं भाई, क्या करें टाइम नहीं मिलता है। तो
तो भाई हम लोग आ चुके हैं फिर से एक्सप्रेसवे पे, लेकिन आज ना डबवाली से हमको लेफ्ट में घुमा दिया, जो कि लेफ्ट में जाके सीधा आगे जाके फिर राइट घूम के एक्सप्रेस पे चलना। तो यहाँ तक चालू हो गया, तो यहाँ पे मान लो चढ़ते ही टोल लग गया, तो आप समझ सकते हो कि ये कम्प्लीट है पूरा, टोल लगने का मतलब पूरा कम्प्लीट है। तो भाई अब चढ़ चुके हैं यहाँ से, तो चलते हैं भाई आगे जाके। इसको भी बाइक को आज सलीम को भी गाड़ी चलानी है, आज इसका भी ट्रायल होगा, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, पास होता है या फेल होता है। अगर तो पास हो गया तो इसको मिठाई खिलाई जाएगी, अगर फेल हो गया तो इसको मार पड़ेगी बहुत ज्यादा, और दोनों में से एक काम है। अब कौन सी पसंद में आता है इसके, कौन सा क्या होता है वो इसको पता होगा। भाई ये देखो एक्सप्रेस की हालत, ये है एक्सप्रेस की हालत भाई। ये देखो भाई, ये देखो, इसको कौन बोलेगा एक्सप्रेस है, ये भारतमाला एक्सप्रेस की हालत है भाई साहब। खाली मिट्टी डाल दी है बस, और कुछ नहीं। आते आते तेरी याद आ गई, भाई अभी हम पार्किंग में पहुंचने वाले, और मेरा ये पेड़ भी हो ना, ये जो सूख रहा है भाई, इसकी समझ नहीं चल रही कि मेरे को क्यों सूख रहा है। तो आगे जाके पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी, तो टायर भी थोड़ा ठंडे नहाएंगे, तो मेरी गाड़ी की साफ सफाई भी हो जाएगी, सारे काम अपने हो जाएंगे, तो फिर चलते रहेंगे।
भाई अभी एक्सप्रेस पे ही चल रहे हैं नहा धो के, हम तो खाना वाना खा के वहीं से निकले थे, तो भाई अब चल रहे हैं धीरे धीरे। और नीम सो गया है हुआ भाई, इसको नींद पूरी करने को, और रात को गाड़ी चलाएगा, फिर सोने दो इसको। तो हम चलते हैं भाई धीरे 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 आगे आगे। भाई ये देखो गाड़ी कहाँ नीचे चली गई यार, और गाड़ी है भी 14 चक्का है भाई, ये देखो ओहो पूरा नुकसान भाई, पूरा नुकसान हो गया गाड़ी का, रेडिएटर वगैरह चला गया, क्योंकि ये साइड में जो एंगल लगे ना ये चीज़ नुकसानदेह भी है और बचाव भी करता है, लेकिन नुकसानदेह ज़्यादा है। भाई गुड मॉर्निंग, हम अभी पहुंच चुके थे गुजरात में, रात को ही आ गए थे, और पीछे सुईगाम वाला रोड है, चोरी वाला एरिया है, तो अभी चल रहे हैं, देखते हैं आराम आराम से जा रहे हैं भाई, कब तक पहुंचेंगे कब तक नहीं, क्योंकि टायर अपने माड़े हैं उसकी वजह से थोड़ा हमारे को टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर ठंड कर करके चलना पड़ता है। ये सोया है हेडफोन लगा के दिन दिन में सुबह सुबह ही, गया थोड़ा ही एरिया भाई, अभी पहुंच गए हम लोग मोरबी के पास ही समझो, 50 किलोमीटर रह गया, और भाई अभी रुके थे, टायर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, और टायरों को पहले सबसे पहले नज़र मारी जाएगी, फिर उसके बाद बाकी काम चलते हैं, साथ में खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहुँचे गए तो खाना खाया होगा तो टेंशन नहीं, खाना शाना खा के चलेंगे भाई, पंजाबी होटल था यहाँ पर रुके थे, और भाई ये आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो भाई इस बार गाड़ी भी गंदी नहीं हुई, नॉर्मल हुई है, पर देखो ये चीज़ हुई है इतनी गंदी हुई है बस, ज़्यादा नहीं हुई है। तो भाई बस थोड़ा ही रह गया समझो, लगभग 7-8 किलोमीटर रह गया टोटल, पहुंच गए, और ये अंदर वाला रोड था, इसी रोड पे जाके भाई फैक्ट्री आ गए, राइड घूम के फिर फैक्ट्री आएगी, ब्रेकर भी इस पे रोड पे बहुत है।
तो भाई गाड़ी भी लग गई अनलोडिंग पे, तो अनलोडिंग पॉइंट पे लगा दी हमने और गाड़ी भी अनलोड हो जाएगी। तो भाई रास्ता ना एक तो थोड़ा है, बाकी तो सब कुछ ठीक था, पर लेकिन एक फैक्ट्री के जो अंदर का रास्ता था ना वो थोड़ा बहुत टाइट है, क्योंकि साइड में ना उन्होंने अपना सामान रखा था। गाड़ी पूरी पूरी फिक्स फिक्स निकली भाई बहुत मुश्किल से, एक मोड़ पे तो 3 बार गाड़ी बैक करनी पड़ी। तो क्योंकि आगे पीछे सामान रखा, ऐसे तो जगह बहुत है लेकिन आगे पीछे उन्होंने सामान रखा था उसकी वजह से। चलो पहुँच गए पॉइंट अनलोडिंग पॉइंट पे, गाड़ी पीछे से खोल दिया, अनलोडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।